हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पवन आंतिल टीवी। दोस्तों आज हम PSN स्टोर पे चलेंगे PS3 के 2023 के अंदर कि क्या क्या अवेलेबल है वहाँ पर। तो अभी मैंने लॉगिन कर लिया है अपने PS3 से और ये प्ले स्टेशन स्टोर पे आ गए हम। ये ऊपर शेड ऑफ मोर्डोर का दिखा रहे हैं और देखते हैं दोस्तों अभी भी क्या क्या प्राइसेस अवेलेबल हैं गेमों के, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे हैं दोस्तों। 1500 से 2000 तक की प्राइस हैं, जो कि PS4 की प्री ओन्ड कुछ गेमों के इतने एक्सपेंसिव तो नहीं है प्राइस अभी भी। तो ये थोड़ा अजीब है सोनी की तरफ से कि अभी भी PS3 गेमों के इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस रखे हुए हैं। ये एक्चुअली दोस्तों मैंने कलेक्शन पर्पज़ के लिए अपना एक यूज्ड PS3 लिया था अभी, जिसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैंने आपको डाली थी गेम लूट से। तो मेरे को कुछ 8300 कुछ का पड़ा था वो, जो कि ठीक है दोस्तों। कुछ पुरानी सीडीज़ मेरा पड़ी थी समटाइम्स कभी बार खेलने के लिए, और एक मैं गॉड ऑफ वॉर कलेक्शन दोस्तों यहाँ से परचेज़ करना चाहता था, गॉड ऑफ वॉर 2 HD, क्योंकि उसकी CD मेरे पास थी लेकिन वो मेरे पुराने PS3 का लेंस ख़राब हो गया, इसलिए मैंने वो CD भेज दी थी इस चक्कर में क्योंकि रीड नहीं कर पाता था। तो मैं सोच रहा था इसका डिजिटल कॉपी जो अवेलेबल PSN वो ख़रीद लूँ, लेकिन वो भी अभी भी शायद 800-1000 रुपये के आसपास है। तो एक बार देख लेते हैं क्या प्राइस चल रहा है उसका भी। ये देख सकते हो दोस्तों जितनी भी गेम है सारे 1000 रुपये से ऊपर ही हैं, 1400-1500 की, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है 2023 में PS3 की गेम है। जबकि आप PS4 की गेम है देखोगे आपको 300 रुपये में 400 रुपये में मिल जाएंगी PSN से। आज PS4 पे से जाके अगर आप परचेज करोगे प्ले स्टेशन स्टोर पर, और वो भी काफ़ी पॉपुलर गेम जैसे Tekken 7 और आपकी एक्सोडस होगी और कंट्रोल होगी, जितनी भी अच्छी गेम है 400 में 300 में 500 तक में मिल जाती हैं, जबकि PS3 की गेम इतनी महंगी है। ये थोड़ा अजीब है, इससे तो बढ़िया सोनी को अपना प्ले स्टेशन नेटवर्क PS3 के लिए बंद ही कर देना चाहिए, प्ले स्टेशन स्टोर एटलीस्ट। ये दोस्तों देख सकते हैं आप असेंशन 900 रुपये की है और गॉड ऑफ वॉर 2 ये 1248 रुपये की है। तो इससे बढ़िया तो मैं CD खरीद लूँगा दोस्तों यूज्ड आफ्टर मार्केट से, वो भी मेरे को 300-400 रुपये की मिल जाएगी। तो खुद देख सकते दोस्तों कितने एक्सपेंसिव प्राइस हैं अभी भी, 1248 रुपये की है गॉड ऑफ वॉर 2 HD। और दोस्तों आजकल इसमें एक अलग से पासवर्ड ही बनाना पड़ता है हमें वन टाइम। अब बार बार हर बार जब भी लॉगिंग करते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम जब आपने उसमें, तो थोड़ा सा वो मज़ा नहीं PS3 में जो पहले था। और इसकी CMOS बैटरी डेड हो जाती है क्योंकि ज़्यादा यूज़ तो हो नहीं पाता PS3। ये एक्चुअली मैंने दोस्तों PS3 लिया ही था, एक तो आपकी GTA 4 लिबर्टी सिटीज़ जो एपिसोड्स फ्रॉम लिबर्टी सिटीज़ थे वो खेलने के लिए, और एक आध और गेम है जो खेलूँगा, अदरवाइज तो ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा मेरे PS3 जो। अब शायद मैं सेल भी कर दूँ उसको 1-2 महीने के बाद, नहीं तो कलेक्शन के लिए रखा रहेगा। तो दोस्तों देख लिया आपने PSN स्टोर 2023 में क्या क्या अवेलेबल है, काफ़ी एक्सपेंसिव हैं सारी गेम ज़्यादातर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।